हेलो एंड वेलकम टू यू मी स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक कुमार। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ओब्लिक कटिंग? ऑर्थोगोनल कटिंग और ओब्लिक कटिंग को हम फीड एंगल और कटिंग डायरेक्शन के बिहाव पर दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बात करते हैं ऑर्थोगोनल कटिंग की। तो ऑर्थोगोनल कटिंग इज अ टाइप ऑफ कटिंग इन विच द कटिंग एज ऑफ वेज शेप कटिंग टूल इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। मीन्स अगर ये हमारी डायरेक्शन है टूल के मोशन की, तो कटिंग एज होगी उसके परपेंडिकुलर होगी, तो ये कहलाएगी ऑर्थोगोनल कटिंग। दिस कटिंग इज ऑल्सो नोन एज 2D कटिंग बिकॉज द फोर्सेज डेवलप कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू 2D कोऑर्डिनेट्स। तो ऑर्थोगोनल कटिंग में जो फोर्सेज डेवलप होते हैं उनको हम 2D कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ लुक इन दिस फिगर, दिस इज अ डायग्राम ऑफ ऑर्थोगोनल कटिंग। Here cutting direction is this and cutting edge is this. So this is now perpendicular to the direction of cutting. Cutting is the perpendicular to the direction of the cutting. Now let's see what is oblique cutting. Oblique cutting is the cutting in which cutting edge of the wedge shape cutting tool make an angle except right angle to the direction of the tool motion. मीन्स ऑब्लिक कटिंग में जो कटिंग एज होती है वो कटिंग की जो डायरेक्शन होती है उसके साथ एक एंगल बनाती है, जो कि एंगल 90 डिग्री के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी कटिंग को हम बोलते हैं ऑब्लिक कटिंग, और इसको हम 3D कटिंग बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें जो फोर्सेस डेवलप होते हैं हम उन्हें 2D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनके लिए हमें 3D कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, इसलिए इसे 3D कटिंग बोलते हैं। नाउ लुक इन दिस डायग्राम, दिस इज द कटिंग डायरेक्शन एंड नाउ द कटिंग एज इज मेकिंग एट सम एंगल, नॉट 90 डिग्री, दैट इज नॉट 90 डिग्री, सो इट इज ऑब्लिक कटिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्थोगोनल कटिंग एंड ऑब्लिक कटिंग इन टेबुलर फॉर्म। नाउ इन ऑर्थोगोनल कटिंग द कटिंग एंगल ऑफ टूल मेक राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि कटिंग एज मेक एन राइट एंगल टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी मोशन के डायरेक्शन के राइट एंगल में होता है, बट ऑब्लिक कटिंग में राइट एंगल में नहीं होता, बाकी कुछ सम अदर एंगल में होता है। नंबर सेकंड, चिप फ्लोस नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ द कटिंग एज। तो कटिंग एज के नॉर्मल डायरेक्शन में चिप फ्लो होती है, क्योंकि जब कटिंग एज हमारी नॉर्मल है तो कटिंग जो चिप फ्लो है वो भी नॉर्मल होता है, लेकिन इसमें कुछ एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे नहीं होता। एंड इन थर्ड, टू कंपोनेंट्स ऑफ फोर्सेस डेवलप होते हैं, नंबर वन कटिंग फोर्स, नंबर टू थ्रस्ट फोर्स, जिसको कि हम 2D में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगर बात करें ऑब्लिक कटिंग की, तो इसमें तीन फोर्सेस डेवलप होते हैं, जैसे कि कटिंग फोर्स, नंबर टू थ्रस्ट फोर्स, एंड नंबर थर्ड इज रेडियल फोर्स, जो कि हम 2D में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हमें 3D कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे 3D कटिंग भी बोलते हैं। इसकी लाइफ कम होती है ऑर्थोगोनल कटिंग की ऑब्लिक कटिंग के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो दो फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं वो 2D डायरेक्शन में हो रहे हैं, सिर्फ दो प्लेन में हो रहे हैं। बट इन ऑब्लिक कटिंग इट हैज हायर लाइफ बिकॉज द फोर्सेस विच डेवलप in three directions. In orthogonal cutting, shear force per unit area is high, which increase the head development per unit area. यानी कि orthogonal cutting में जो shear stress होता है per unit area वो काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए भी इसकी life कम होती है। साथ ही अगर बात करें कटिंग की, तो शेयर फोर्स पर यूनिट एरिया लो होता है, इस वजह से हीट डेवलपमेंट पर यूनिट एरिया भी लो होता है, और इसलिए ऑब्लिक कटिंग में टूल की लाइफ ज्यादा होती है। ऑर्थोगोनल कटिंग में चिप फ्लो करती है ओवर द टूल, बट इन ऑब्लिक कटिंग चिप फ्लोस अलोंग साइडवेज, उसके साइड से फ्लो करती है। तो ये डायग्राम छोटा सा और सिंपल सा डायग्राम है, जिसमें कटिंग डायरेक्शन इधर है और साथ में जो कटिंग एज है वो परपेंडिकुलर है कटिंग डायरेक्शन के, बट इन ऑब्लिक कटिंग जो कटिंग डायरेक्शन है वो सम एंगल बनाती है, बट 90 डिग्री नहीं बनाती है कटिंग एज के साथ।
If you like this video, like, comment, share and subscribe for more updates.